नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। खरीफ फसल की बोनी के बाद किसानों को सहकारी समितियों और जिला विपणन संघ के गोदाम से यूरिया न मिलने की जा रही कालाबाजारी के बाद ईओडब्ल्यू मुख्यालय भोपाल ने सतना और रीवा में कृषि एवं जिला विपणन संघ में छापामार कार्रवाई की है। विपणन एवं कृषि विभाग ने डीलरों को कितनी बात दी है और वो किसानों तक कितनी पहुंची है। रीवा जिले में यूरिया के संकट पर किसानों ने सहकारी संस्थाओं के गोदाम में महामारी की स्थिति तक निर्मित कर दी है। इस स्थिति को देखते हुए प्रदेश सरकार यूरिया की कालाबाजारी पर संज्ञान लेते हुए ईओडब्ल्यू को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। रीवा एवं सतना में ईओडब्ल्यू की टीम ने कृषि विभाग और जिला विपणन संघ में कार्रवाई करते हुए 3 साल दस्तावेज जब्त किए हैं। बताया गया है कि रीवा में ईओडब्ल्यू की टीम की कार्रवाई आशीष मित्रा एवं गरिमा त्रिपाठी और अन्य लोगों द्वारा की जा रही है, जबकि सतना में प्रवीण त्रिपाठी, भारतेंदु सिंह परिहार और अन्य ईओडब्ल्यू के अधिकारी जांच करने में जुटे हुए हैं। यूरिया खाद की कालाबाजारी को लेकर ईओडब्ल्यू ने इसकी जानकारी जुटाने में लगा हुआ है। 3 वर्ष के दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। रिकॉर्ड के बाद ये पता लगाया जाएगा कि किसानों को कितनी खाद दी गई है। रीवा में यूरिया खाद गुजारी का खुलासा 1 सप्ताह पूर्व यूरिया खाद की कालाबाजारी की शिकायत के बाद जिला कलेक्टर इलैया राजा टी ने डीलरों के द्वारा बेची जा रही खाद के जांच का जिम्मा एडीएम और कृषि अधिकारी को सौंपा था। शहर आधा दर्जन दुकानों में अपर कलेक्टर द्वारा की गई जांच के बाद ये स्पष्ट हुआ था कि निजी दुकानदारों द्वारा ऐसे किसानों को 30-30 टन खाद की बिक्री की गई है, जिनके पास 1 एकड़ भी भूमि नहीं है। इसका प्रतिवेदन अपर कलेक्टर ने कलेक्टर इलैया राजा को दे दिया था। यूरिया खाद का घोटाला गुड़ चौराहा स्थित कन्हैया खाद भंडार में 2 ऐसे किसानों को 30 टन और 20 टन खाद देना बताया गया है, जो ना तो किसान है और ना ही उनके पास किसी भी प्रकार की कृषि भूमि है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कृषि विभाग और जिला विपणन अधिकारियों के शह पर यूरिया में व्यापक पैमाने पर कालाबाजारी की गई है। ईओडब्ल्यू द्वारा जुटाए जा रहे दस्तावेज में कितनी खाद की कालाबाजारी सामने आती है। ये आर्थिक अपराध ब्यूरो भोपाल मुख्यालय महानिदेशक महोदय के निर्देश से यूरिया डिस्ट्रीब्यूशन के संबंध में जांच के निर्देश प्राप्त हुए हैं और उसी के सिलसिले में यहां जानकारी हम लोग एकत्रित करने के लिए ईओडब्ल्यू की टीम यहां पर आई हुई है। अभी तो हम दस्तावेजों का जो है संकलन कर रहे हैं और आगे दस्तावेज मिलने के बाद जैसी स्थिति बनेगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। जी कितने लोगों के अभी तो दस्तावेजों का संकलन है। टीम में हम लोग 4 सदस्य हैं, 4 सदस्यीय टीम यहाँ पर आई हुई है। नाम हम पृथक से दे रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।